ओके, सो बेसिकली कल से हमने जो है बेसिक मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स बोलेंगे नहीं, नहीं तो लोगों को लग रहा है कि सर मैथ्स क्यों पढ़ा रहे, है ना, एक दो जन बोल रहे थे आज, बेसिक फिजिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल हमने जो डिस्कशन किया था, आई थिंक एवरीवन हैव प्रिपेयर्ड इट। कुछ लोग हैं जिनके वॉइस नोट्स अभी तक नहीं मिले, होप सो जल्दी से उनको हैबिट मिल लग जाएगा और रेगुलर वॉइस नोट्स उनके मिल जाएंगे, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चन के पटपट आंसर दो, देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको बोला है कि 10^-20^4 है इंटू 0.009 है डिवाइडेड बाय 3 इतने जीरो है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? -18, ठीक है, एक बार वेरी गुड। देखो -20 × 4 इट विल बी 10^-80। मुझे पहले डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 9 लिख सकता हूँ। डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट हुआ तो 3, राइट में शिफ्ट हुआ तो -3। डिनोमिनेटर में ये 2 + 3, 3 0 नहीं चाहिए मुझे, तो ये बनेगा 3 × 10^5। क्लियर सबको? अब यहाँ पे 3 1 3, 3 3 9, तो ये बनेगा 3। अब देखो -80 - 3 मतलब -83 + 5, ऊपर जाके भी -5, तो आंसर विल बी -88। सेम था सबका? यस यस सर। 0.000 इतने जीरो, 25 है डिवाइडेड बाय 5000 है। बोलो पटकन, इसको इधर लेके आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 25 × 10^-8, राइट में लेके जा रहे इसलिए माइनस, ये डेसिमल नहीं है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था, उसको लेफ्ट में लेके आते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 5 × 10^6। 5 5 कैंसिल, +6 ऊपर जाके -6, तो 8 + 4 यानी 8 + 6 यानी 14। क्रॉस चेक करो, दिसते मनु फक्त छापून घेऊ नका, सबको सॉल्व करना है, नोटबुक पेन हाथ में लो। यस सर। करते जाओ नेक्स्ट। आपको बोला है रूट में 0.000 400 है, तो कितना होगा इक्वल टू? पहले इसको क्या करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे, है ना। अभी ये बात कल मैंने नहीं बोली थी, जिनको मालूम है करो, जिनको नहीं मालूम था सुनो। जब भी स्क्वेयर रूट आता है तो आपको याद रखना है कि जो भी नंबर आएगा x इंटू 10^2 जो भी बनेगी, यहाँ पे मैंने y लिखा है, तो स्क्वेयर रूट में ये y की वैल्यू कंपलसरी हमें इवन मेंटेन रखनी है। अगर इसको ऑड बना दिया तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जब भी डेसिमल शिफ्ट करेंगे, इस तरह से शिफ्ट करो कि 10^2 इवन बनेगी। जैसे मैं भी यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल शिफ्ट करूंगा, तो 1 2 3 4 5, अगर मैंने रूट में 4 लिख दिया तो डेसिमल जो है, मतलब 10^2 जो है -5 आएगी। रूल मैंने बोला है रूट में कंपलसरी इसको इवन ही रखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, इसलिए मुझे इसको 40 लिखना पड़ेगा। तो ये बनेगा 40 × 10^-6। अब जाके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट ऑफ 40 आ रहा है। अभी ये सबको मालूम है कि 36 होते तो अपन 6 लेते, 49 होता तो 7 लेते, 40 इन दोनों की इन बिटवीन है, तो 6 एंड 7 के बिटवीन जो नंबर पसंद है वो लिख लो, 6.4 6.5 × 10^-6 रूट में है। अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो और एक सॉल्व करो। इक्वल टू कितना? वेरी गुड पवन, चलो बाकी लोग भी करो। क्या करना होगा पहले? सिंपल, ये 2000 को 2 लिखेंगे, 10^3 आएगी, ये 1 2 3 4, अगर ये 4 लिया तो 4 + 3 = 7 आएगा, इसलिए इसको 60 बना दो, तो ये बनेगा 60 × देखो डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट से, तो 10^5 बनेगी -5। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट में आएगा 60 × 2 मतलब
120 माइनस 5 प्लस 3 यानी माइनस 2, ठीक है। तो आपको लगेगा कि इसको 12 लिख देते हैं, लेकिन 12 लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगी, नहीं चलेगा। तो रूट ऑफ 120 मतलब ये 11 के आसपास है, देखो डायरेक्ट 11 लिखेंगे तो भी चलेगा, इंटू 10 की पावर माइनस 1 मतलब आंसर विल बी 1.1। असं मला भारी वाटतं म्हणून मी एक्झाम्पल घेत नाहीये, फिजिक्सचे क्वेश्चन सोडत असताना यू विल कम टू नो दॅट मेनी टाइम्स सिमिलर कॅल्क्युलेशन को सिम्प्लिफाय करना है, ठीक है। चलो डू इट, डरना नहीं इनसे, हमें मालूम है कि क्या करना है इनके साथ। देखो पहले डेसिमल शिफ्ट होगा बाय 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, ये 16 × 10 की पावर माइनस 5 है, लेकिन ये माइनस 5 लिया तो यहाँ पे इवन चाहिए या माइनस 5 चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि रूल किसके लिए, ओनली फॉर स्क्वेयर रूट। अभी इनटू जब रूट की बात होगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमें लिखना पड़ेगा रूट में 36 × 10 की पावर माइनस 6। अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 20 × 4 मतलब माइनस ऑफ 80, माइनस 3 × 2 मतलब माइनस ऑफ 6। तो ये ऊपर का 60 × 10 की पावर माइनस 5, 36 बाहर आएंगे तो 6, माइनस 6 बाहर आएगा तो माइनस 3, माइनस 80, माइनस 6 ऊपर जाके प्लस 86, यानी सिंप्लीफिकेशन होगा 360 × 10 की पावर 5 प्लस 3, 8 गए मतलब प्लस 78। क्लियर? Yes. चलो तो बेसिक कैलकुलेशन ये बस वार्म अप के लिए थे, रोज थोड़े थोड़े करेंगे। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं आज की थोड़ी सी न्यू मैथमेटिकल कंसेप्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव, अब ये डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? तो बेसिकली हम फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं जिनमें चेंज ऑकर होता है, एंड चेंज जो ऑकर होता है हमें उसको किसी ना किसी सराउंडिंग के साथ में कंसिडर करके, जैसे देखो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, तो हम क्या करते हैं उसको टाइम के साथ रिलेट करके चेंज इन वेलोसिटी को फिर कंसिडर करते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में हमें एक मैथमेटिकल प्रोसेस लगती है डिफरेंशिएशन। अब मैं इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्या होता है क्या नहीं कैसे, जितना फिजिक्स के लिए हमें रिक्वायर्ड है उतने फॉर्मूले बस हम यहाँ पे देख लेंगे, वो आपको लर्न करने हैं, एंड वो छोड़ के हमें फिजिक्स में डेरिवेटिव का कुछ खास यूज करना नहीं है, ठीक है। तो एकदम बेसिक फॉर्मूला जो हमें सबसे ज्यादा यूज करना है वो होता है d/dx ऑफ x^n। पहले ये डेरिवेटिव का फॉर्म समझो, ये d/dx लिखा या फिर d/dt लिखा या फिर d/dy लिखा या फिर d/dm लिखा, ये सारा जो है वो डेरिवेटिव लिखने का फॉर्म है। जैसे एडिशन के लिए हमने डिसाइड किया है कैसे, प्लस से डिनोट करते हैं, सब्ट्रैक्शन माइनस से डिनोट करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऐसा है, डिवीजन बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं लेकिन एंड टाइम पे अपन उसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो डेरिवेटिव ये मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए भी हमने डिसाइड किया है कि अपन ये d/d इंटू इसके साथ कुछ तो आएगा। अब ये d/d डिनोमिनेटर में d के साथ में जो भी होता है उसको बोला जाता है एज ए वेरिएबल, ठीक है। ये बन गया वेरिएबल, ये बन गया वेरिएबल, यहाँ पे m बन गया वेरिएबल। तो अगर ये d के साथ में जो नंबर है वो वेरिएबल है, एंड फिर जिसका अपन डेरिवेटिव लेने वाले, अब ये साइन है, सिंबल है बस, एक्चुअल डेरिवेटिव हमें इसका करना है। जैसे कि आपको 5 का स्क्वायर ऐसे बोला जाता है तो ये 2 का मतलब ये स्क्वायर होता है और हमें स्क्वायर 5 का करना होता है, वही मीनिंग यहाँ पे है कि ये जो x^n है इसका हमें क्या करना है, ये d/dx हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें एप्लीकेबल होगी कब, जब ये ब्रैकेट में जो दिख रहा है आपको वेरिएबल एंड डिनोमिनेटर में d के साथ में जो है वो सेम होंगे। तो अगर वो सेम नहीं है तो हमें अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन वहां पे कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो आगे आगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी बस इसको ध्यान से देख लो। सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, दैट इज d/dx ऑफ x^n। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स, उसकी जो पावर होती है हमें बस उस पावर में क्या करना पड़ता है, पहले पावर से
मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड पावर में से वन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एकदम सिंपल रूल है, जो भी पावर दिख रही है पावर से मल्टीप्लाई कर दो पहले, उसके बाद में पावर में से वन को सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब है, अब वेरीफाई हो गया यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी है, मतलब हमारा वेरिएबल टी है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करते टाइम क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया था पावर एन थी, पावर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे पावर कितनी है थ्री, तो मुझे थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा थ्री इंटू टी का स्क्वायर। गॉट इट? यस। आगे जाएंगे, अगर बोला जा रहा है कि अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, किसको, अब थ्री इंटू टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूल वही है। देखो थ्री तो कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एंड लॉग, ये तीन जो मैथमेटिकल प्रोसेस है इनका रूल है कि इनको मतलब करते टाइम हम कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाते, कांस्टेंट जैसे है वैसे ही रहेंगे, तो हम थ्री को वैसे ही रखेंगे, बस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो टी की पावर टू थी, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये वन बचेगा, यानी थ्री इंटू टू ये बनेगा सिक्स इंटू टी। क्लियर? यस सर। आगे अगर बोला है कि अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, फाइंड डी बाई डी टी ऑफ सिक्स इंटू टी, तो फिर से यहाँ पे सिक्स कॉन्स्टेंट हो गया, अभी टी की पावर कितनी बोलो यहाँ पे, कुछ है क्या टी की पावर, वन है क्या, जीरो है, वन है, गलत ना, सगड़ना कुछ नहीं, मतलब वन होता, तो ये वन है, तो हमें वन लिखना पड़ेगा इंटू टी आ गया। अब टी की पावर क्या होगी, पहले वन था, वन में से वन चला जाएगा, तो वन माइनस वन बनेगा, एंड टी रेस टू जीरो कितना होता है, वन, वन, टू रेस टू जीरो भी वन, हंड्रेड रेस टू जीरो भी, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है वन, इसलिए हमें यहाँ पे सिक्स इंटू वन इसका डेरिवेटिव मिलेगा सिक्स। अगेन अगर आगे बोला जा रहा है कि डी बाई डी टी ऑफ सिक्स फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, जीरो क्यों है उसका रीजन हमें यहाँ पे समझ में आता है कि एक्चुअल में ये सिक्स है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डी बाई डी टी ऑफ सिक्स इंटू टी रेस टू जीरो, तो जब इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सिक्स को एज इट इज रखना है, पावर जीरो है, पहले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टी की पावर बनेगी माइनस वन, लेकिन जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, इसलिए जब भी अपन डेरिवेटिव लेंगे अगर वहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। अब ये डेरिवेटिव, सॉरी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या डिफरेंस है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, है ना, समझ में आ रहा है क्या, लिंक लग रही है क्या, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, बोलो क्या है वेरिएबल, मतलब क्या कांस्टेंट, मतलब क्या वेरिएबल, मतलब जो वैरी होने वाला है, बदलने वाला है, जो चेंज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने एक्स बोला, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको बोलूंगा कि एज्यूम करो एक्स की वैल्यू वन है एक एग्जांपल में, आगे दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं बोलूंगा अब एज्यूम करो एक्स की वैल्यू टू है, यानी एक्स की वैल्यू वन ले लो, टू ले लो, वन थाउजेंड ले लो, टू थाउजेंड ले लो, जो चाहिए गिवन कंडीशन में हम कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू वैरी होती है, तो एक्स बनाना वेरिएबल, गॉट इट? यस। लेकिन अगर आपको फाइव दिया है तो फाइव की वैल्यू आताच्या एग्जाम्पल मध्ये घ्या, नहीं तो एक वर्ष नंतरच्या एग्जाम्पल मध्ये घ्या, इंडिया मध्ये घ्या, नहीं तो अफगाणिस्तान मध्ये घ्या, हर बार फाइव की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए फाइव क्या है कांस्टेंट है ना, ये जो अल्फाबेट्स अपन कंसीडर करते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर? टू टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिला है एंड आपको बोला है कि इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, फाइंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टी है,
तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो करो फिर, जिनको समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया अपन साथ में करते. सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका, जिसमें हम पहली स्टेप में लिखेंगे कि वेरिएबल अगर टी है तो डी बाय डी टी बनेगा ब्रैकेट में 2t का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, तो पहले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 बनेगा 4, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो 2 माइनस 1 बनेगा 1, माइनस 5 इंटू 1 बनेगा 5, टी रेस टू क्या है 0, प्लस 2 तो कांस्टेंट आ गया, उसके साथ टी है नहीं, मतलब उसका डेरिवेटिव बना 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना 4t माइनस 5. क्लियर है सबको? यस. ये हो गया डेरिवेटिव. अब आगे अगेन इसको और एक बार डिफरेंशिएट करके बोलो कितना आता है. डिफरेंशिएट इट वंस अगेन, 4t का डेरिवेटिव आएगा 4, 4 आयु कांस्टेंट है तो ये बनेगा, यानी 4 विल बी द आंसर. ठीक है, कर सकते हैं अभी इसको. यस श्रुतिजा, करेक्ट. तो एक फॉर्मूला तो हो गया, जो भी वेरिएबल होगा पावर दी गई, पहले पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा फिर ये. yes, अभी कुछ और फॉर्मूले है, बहुत काम के नहीं है लेकिन फॉर्मेलिटी है तो हमें उसको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स दिया जा रहा है, अब फिर से ध्यान से देखो, ये ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ई की जो पावर है वो हमें वेरिएबल दी गई है डी बाय डी एक्स, डी के साथ में जो डिनोमिनेटर में है वही अगर वेरिएबल यहाँ पे है तो हम इसको जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स. प्रज्वल म्यूट कर. ठीक है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, हो जाएगा याद, करना ही पड़ेगा, देखते हैं मॉर्निंग में. अगर आपको बोला जा रहा है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी स्टार्ट से पढ़ने वाले हैं, साइन मतलब क्या, कॉस मतलब क्या, लेकिन आपको मालूम है तो उसको एक बार देख लेते हैं. अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बोला है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स. अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बोला है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स. अगर आपको tan x का डेरिवेटिव बोला है तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x. अगर आपको cot x का डेरिवेटिव बोला है तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosec square into x. देवेश हुआ है क्या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन? पर पता है सर. ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स अगर दिया है तो उसका डेरिवेटिव होता है देवेश संग सेक एक्स टेन एक्स. वेरी गुड, सेक एक्स टेन एक्स. देन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ एक्स अगर बोला है तो इसका डेरिवेटिव होता है बोल माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट ऑफ एक्स. ठीक है, तो आज जो है आपको डेरिवेटिव के लिए ये वर्क हो गया, इतने फॉर्मूले आपको आज डेरिवेटिव से रिलेटेड लर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बाकी जो है ये 1 2 3 4 देन 5 देन 6, ये बहुत ज्यादा हमें इनका काम है, बहुत सारे एग्जाम्पल में बहुत सारे टॉपिक्स में हमें ये रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये जो e raise to x है एंड आगे भी कुछ आने वाले हैं जिनका कुछ खास यूज नहीं है लेकिन हमें मालूम होना चाहिए तो वो लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, तो डेली डेली जो है मैं एकदम थोड़ा थोड़ा फील कर रहा हूँ आपको, तो एकदम अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर लो,
है ना, बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है, मतलब रिस्पेक्ट टू टॉपिक के टाइम भी मैं एक्सप्लेन तो करूंगा, लेकिन मतलब पूरा का पूरा पार्ट वहां पे पॉसिबल होगा नहीं होगा, इसलिए उसको अभी से लर्न करके रखेंगे, प्रिपेयर करके रखेंगे, तो आपको प्रिपरेशन के लिए ये बात जो है वो ईजी जाने वाली है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन हो गया, अब इंटीग्रेशन का जो है वो कल हम साइमल्टेनियसली साथ में देखने वाले हैं। अब बेसिकली देखो कि जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, वन, 2 स्क्वायर, बोलो बोलो बोलते जाओ, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 16, सिक्स स्क्वायर, 36, 8 स्क्वायर, 64, 10 स्क्वायर, 81, 100, 11, 12, 13, 14, 169, 15, ठीक है, देन 17 स्क्वायर, 289 ही क्या, इसको एक बार कंफर्म करो, 289, 324, 361, 400, अरे वाह लर्न हो गए, ये स्क्वायर इतने लर्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, इसको कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके साथ ये लर्न है मतलब एफर्ट्स लेने पड़ेंगे 21 को, बोलो बोलो, सब क्रॉस चेक करो गड़बड़ में, या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए मैं एक आधा डायमेंशन इधर उधर लिख सकता हूँ, ठीक है। 27 का बोलो स्क्वायर क्या है, 729, 729, 729, 28 का, 7, 2, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 29 का, 8, 4, 1, very good, and 30 का, 900, देखो 20 तक सबको आती ही है, लेकिन 30 तक जो है एंड एंड में जैसे मेरा भी कंफ्यूजन हो रहा है वैसे हो सकता है, इसलिए इसका काम आज ही खत्म कर दो, 30 तक का स्क्वायर कंप्लीट चाहिए हमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ गया 37 का स्क्वायर, इसलिए हम आगे का 31 का बना लेंगे और उसको लर्न करेंगे क्या 100 तक, कर भी लेंगे तो याद नहीं होगा, है ना, ये 20-30 तक था, 10 तक रोज करते थे फिर भी भूल गए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल मेथड फॉलो करनी है, जैसे कि आपको 37 का स्क्वायर करना है, तो रेगुलर मेथड में हम करते क्या है, 37 × 37, फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उनके एडिशन करो, संध्याकाळ होते आपल्याला परवडत नाही, म्हणून आपण काय करणार, 37 है इसका स्क्वेयर करना है, तो 3 का स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे 09 आएगा, 7 का स्क्वेयर करेंगे ये 49 आएगा, देन 3 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 = 21, उसको डबल कर देंगे, एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे 42, तो ये आ गया 9, 4 + 2 = 6, ये बन गया 3, ये 1, मोबाइल है तो क्रॉस चेक कर लो 37 का स्क्वायर क्या आता है, सेम है, यस सर, अब 73 का स्क्वायर करना है, प्रोसेस क्या है, पहले 7 है उसका स्क्वायर लिख दिया 49, 3 है उसका स्क्वायर लिख दिया, बस ये स्क्वायर लिखते टाइम दो दो डिजिट में लिखना है, इसलिए मैं 9 नहीं लिख रहा हूँ, 09 लिख रहा हूँ, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 3 का हो गया 09, अब मल्टीप्लाई करो 7 × 3 = 21, उसका डबल 42, राइट से एक डिजिट छोड़ के लिखना है उसको, तो ये बन गया 9, 2, 3, 5, 5, 3, 2, 9, से कोई भी नंबर दिया है दो डिजिट वाला तो उसके लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 57 दिया है फिर से 25, 49, 35 का डबल
70, तो ये आ गया 9423 3249। अगर आपको बोला जा रहा है 97 का स्क्वायर फाइंड करो, 81 49 63 का डबल 126, एक डिजिट छोड़ के लिख दिया 90410 9801। ठीक है, तो 30 तक लर्न करेंगे, मतलब कैलकुलेशन में आ गया तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, करना पड़ेगा, और उसके आगे अगर दिया है तो 100 तक किसी भी नंबर का एकदम विद इन कम टाइम हम सेम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर बात स्क्वायर रूट की है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बोलो, रूट ऑफ 1 रूट 2 1.4 रूट 3 1.7 रूट 5 कितना है, 1.7। इसको लर्न करना है, ठीक है ना, लिख के दे रहा हूं, मतलब भारी वाट तो लिख देते नहीं, ये लर्न होंगे तो कैलकुलेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ 10 तक हमें रूट के आंसर चाहिए। रूट 7 बोलो, रूट 9 2.6 रूट 10, बस स्क्वायर रूट इतने ही करना है। ठीक है, इसके आगे नहीं, ये अगर डेटा होगा तो कैलकुलेशन में यू विल फाइंड दैट रेगुलर रोज लेक्चर में समझ में आएगा कि हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है अगर ये चीजें हमें पहले से मालूम है तो। तो हमने कल अलजेब्रा के जो है आई थिंक 3 फॉर्मूले देखे थे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगेन वी विल कम टू अलजेब्रा फॉर नेक्स्ट पार्ट, कल 3 लर्न किए थे, आज के 3 है जो मतलब लर्न करने ऐसे नहीं है लेकिन हो गए तो अच्छा है, उनका ज्यादा यूज नहीं है लेकिन मालूम होने चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर डेटा दिया है तो इसको अपन 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर का प्लस था वो अगर माइनस हो गया तो इसका सिंप्लीफिकेशन होता है 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अलजेब्रा के लिए बस आपको आज 2 ही फॉर्मूले, बाकी डेरिवेटिव को तो दिए, एंड अगेन कुछ बात ज्योमेट्री की कर लेते हैं। बघा दोन दोन तीन तीन देते हैं, लोड घेसा नहीं, रेगुलर फक्त एक एक दोन दोन प्रिपेयर करेंगे, एकदम आराम से प्रिपेयर भी हो जाएंगे और वो याद भी रहेंगे। ठीक है, तो कल आई थिंक हमने सर्कल स्पीयर सिलेंडर एंड इलिप्स ये देखा था, क्या कौन भी हो गया था, ओके कौन हो गया था। तो आज जाते हैं प्यारा ले लो ग्राम के पास। अभी पैरालेलोग्राम कैसे होता है, पैरालेलोग्राम क्या कंडीशन होती है पैरालेलोग्राम की, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये पैरालेलोग्राम है, उसकी दो साइड से एक ए है बी है, यहाँ पे अगर उसकी हाइट हम h कंसीडर करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में ये पैरालेलोग्राम का जो एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं हम बाय यूजिंग b इंटू एच, या फिर उसको अपन h को अगर रिप्लेस करेंगे साइन थीटा के टर्म में तो a इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू साइड्स, ये होता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम a इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, इसका ग्राफ में थोड़ा सा इससे टाइप का नेचर ज्यादा आता नहीं है लेकिन आया तो भी अभी कोई बात नहीं है, आपको मालूम हो गया। ठीक है, अगर आपको जो बहुत सारे टाइम्स दिया जाता है ग्राफ में एरिया कैलकुलेट करने के लिए, आपको दिया गया है ट्रापेजियम,
अभी ट्रेपेजियम में क्या होता है? ऐसे कुछ तो होता है ना, दो अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए उसकी? पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें अगर इसकी साइड लेंथ ए है, इसकी साइड लेंथ बी है, एंड इसकी अगर हाइट आपको दी है एज एच, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देन अगर आपको स्क्वायर बोला गया है, स्क्वायर की केस में तो मालूम ही है, ठीक है, स्क्वायर है, साइड लेंथ उसकी ए, तो स्क्वायर का एरिया होता है क्या होता है, स्क्वायर मतलब चारों साइड सेम, ए का स्क्वायर। बस यहाँ पे जो स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, तो ये डायगोनल की लेंथ अगर हम x कंसीडर करेंगे तो ये x कितनी होती है, x होती है रूट टू टाइम्स ऑफ a, ओके। अगर हमें क्यूब दिया जा रहा है, ठीक है, इस तरह का क्यूब दिया है, इसकी तीनों साइड है, और आपको बोला है कि तीनों साइड अगर इक्वल है तो उस केस में वॉल्यूम होती है, अगर साइड लेंथ ए है तो ए क्यूब, अगर इक्वल नहीं होती है तो उस केस में वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट LBH। अगर आपको बोला जा रहा है कि क्यूब का हमें रिक्वायर्ड है सरफेस एरिया, तो एक फेस का एरिया स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर होता है, इसलिए छह फेसेस है तो टोटल सरफेस एरिया बनता है 6 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे दो डायगोनल्स होते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक है ये फर्स्ट डायगोनल, एंड ये यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो एक को बोलते हैं एज ए फेस डायगोनल, ये वाला जो दिख रहा है इसको FD फेस डायगोनल, तो ये फेस डायगोनल होता है अगेन ऊपर के जैसा रूट टू टाइम्स ऑफ ए, लेकिन जो एक्चुअल में डायगोनल है जिसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल, मतलब BD, तो ये BD बॉडी डायगोनल होता है रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए। तो क्यूब, स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम, ज्योमेट्रिकल शेप भी आज जारी करना है, उससे ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही करेंगे आप, डेरिवेटिव की जितने फॉर्मूले दिए उसके बाद अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की तो कम ही थे। गॉट इट? Yes. Okay. Thank you. Good night. अब क्या करेंगे, जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट स्टार्ट से लेके अब तक जो पूरा हो गया था उसका करेंगे आप वॉइस नोट्स प्रिपेयर।